यीशु अपन सेवकाई आरंभ करत छथिन। शैतान परीक्षा सबके अस्वीकार कला के बाद यीशु फिर से गलील क्षेत्र में एलखिन। इहे वो स्थान छल जत्ता वो रहत छलखिन। पवित्र आत्मा हुनका बहुत सामर्थ्य दे छलखिन आ यीशु ओहि ठाम से दोसर ठाम गेली आ लोक सब के शिक्षा देलखिन। सब गोटे हुनका विषय में नीक बात कहलन। यीशु नासरत नगर में गेला। ई ओहे गाम एज जत्ता वो अपन बचपन में रहत छलखिन। विश्राम के दिन वो आराधना में गेली। अगवा सब हुनका यशायाह भविष्यवक्ता के संदेश के एकटा पुस्तक देलन। वो सब चाहत छला जे ओ ओही में से पढ़े। अतः यीशु वो पुस्तक खोली का एक भाग के लोक सब के लेल पढ़ देलखिन। यीशु पढ़लखिन, परमेश्वर हमरा अपन आत्मा देने छथिन जाहि से हम कंगाल सब के सुसमाचार प्रचार कर सकी। वो हमरा एहि लेल पठौने छथि जे कैदी सब के स्वतंत्र करी, आन्हर सब के दृष्टि प्रदान करी आ ओकरा सब के छुटकारा दी जेकरा दोसर लोक सब दबा रहल अछि। इहे ओ समय अछि परमेश्वर अपना सब पर कृपा होइथिन आ हमरा सब के सहायता करथिन। तब यीशु बैठ गेलखिन। सब लोग हुनका बहुत ध्यान से देखत रहे। वो सब जनित रहे जे पवित्र शास्त्र ओ भाग जे ओ पढ़लखिन ओ मसीह के विषय में छल। यीशु कहलखिन जे बात सब हम अखन अहां लेल पढ़लौं ओ एही समय घटित भ रहल अछि। सब लोग चकित भेल। वो सब कहलक कि ओ यूसुफ के पुत्र नहीं अछि। तब यीशु कहलखिन ई साचे अछि जे लोक एहन कोनो भविष्यवक्ता के स्वीकार नहीं करत अछि जे अपने नगर में पालल पोसल गेल होय। एलिया भविष्यवक्ता के समय में इजराइल में बहुतेक विधवा सब छली, मुदा जो 3.5 वर्ष धरि वर्षा नहीं भेल त परमेश्वर एलिया के इसराइल के कोनो विधवा के सहायता करे नहीं पठौलखिन, बल्कि ओ एलिया के अन्य देश के विधवा लग पठौलखिन। यीशु अपन कहल जारी रखलन आ एलिया भविष्यवक्ता के समय में इसराइल में बहुतेक लोग चर्म रोग से पीड़ित रहे, मुदा एलिशा ओहि में से केकरो ने चंगा कैलन। ओ मात्र इजराइल के शत्रु के सेनापति नमान के चंगा कैलन, मुदा जे लोग सब यीशु के सुनत रहे से यहूदी छलाह। एहि लेल जखन ओ सब हुनका एना कहत सुनलन त ओ सब हुनका पर क्रोधित भ गेल। नासरत के लोग सब यीशु के पकड़ लेलक आ हुनका आराधनालय के स्थान से बाहर लअ गेल। ओ सब हुनका मार देबाक नीचा फेंकबाक लेल हुनका एकटा चट्टान के ऊपर लअ गेल, मुदा यीशु भीड़ से निकल गेलखिन आ नासरत नगर के छोड़ कर चल गेलखिन। फिर यीशु सारा गलील क्षेत्र में गेलखिन आ नमहर भीड़ हुनका लग में आयल। वो सब एहन बहुत गोटे के लअ कर आयल जे बीमार आ रोगी रहे। वही सब में से कुछ देखे चले सुने आ बाजे नहीं सकत छल आ यीशु हुनका सब के चंगा कलखिन। एहि के अतिरिक्त बहुत एहन लोग सब यीशु लंग अला आ दुष्ट आत्मा से जे ग्रसित रहे। यीशु दुष्ट आत्मा के ओकरा सब में से निकाल जाय के आदेश देलखिन। ओ दुष्ट आत्मा सब चिचियाल, अहां परमेश्वर के पुत्र छी। भीड़ के लोग सब चकित भ गेल आ ओ सब परमेश्वर के स्तुति कैलक। तब यीशु 12 गोटे चुनलखिन जेकरा ओ प्रेरित नाम देलखिन। ओ प्रेरित सब हुनका संग यात्रा कैलक आ शिक्षा लेलक। मत्ती अध्याय 4:12-25, मरकुस 1:14-15, 35-39, 3:13-21, लुका 4:14-30, 38:44, बाइबिलक एकटा कथा।